हाँ तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि क्या बलून के अंदर हवा डाल के गेज की मदद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बलून के अंदर कितनी पौंड हवा है। जैसे कि आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ये हमारे पास एक बलून है, इसमें हमने हवा डाल ली है, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि इसके अंदर कितनी पौंड हवा है। जैसे कि एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारे पास है गेज, ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, जो कि गाड़ियों में बाइक वगैरह में हवा डालने के बाद नापने के काम में आता है कि टायर में कितनी पौंड हवा डल चुकी है। तो इस गेज से अगर हम इस बलून की हवा को चेक करें तो क्या हमें पता चल सकता है कि बलून के अंदर कितनी पौंड हवा है। तो आज हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करेंगे कि बलून के अंदर हवा का प्रेशर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। तो जिसके लिए हमने एक जुगाड़ किया है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास है इतना बड़ा बलून, जो कि आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। और इसके ऊपर हमने ये देखिए, जो मोटरसाइकिल की ट्यूब के अंदर जो नलकी होती है हवा डालने के लिए, जो वाल बॉडी होती है, वो हमने इसके अंदर सेट कर दी है और ये ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दिया है। और इसके अंदर अब हम हवा डालेंगे और उसके बाद इस गेज की मदद से चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी पौंड हवा है, कितनी पौंड नहीं है, और ये बता पाता है या नहीं बता पाता। तो आज के एक्सपेरिमेंट में यही करेंगे। यदि वीडियो लाइक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों, इसमें हवा डालने के लिए हमें आना पड़ा इस शटर के पास। ये देखिए, यहाँ पर टायर पंचर की दुकान, तो हमने यहाँ पे नलकी को ऑन कर दिया हवा को, और अब इसके अंदर डालते हैं हवा और फिर इस गेज से चेक करते हैं कि इसमें कितनी पॉइंट हवा डालती है, कितनी नहीं। हमें भी नहीं मालूम गेज चेक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इससे बलून फूट भी सकता है, हो सकता है प्रेशर ना भी बताए, तो जो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हवा डाल के। तो मैं इस गेज को रख देता हूँ यहाँ पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर वाल बॉडी लगा रखी है ग्लू गन की मदद से, तो इसमें कुछ इस प्रकार से डाल के इसको और हवा डाल लेंगे। दोस्तों, इसमें हवा तो बहुत ही फास्ट डल रही है, और ये एक बार आपको नज़दीक आइए, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमने ग्लू गन डाली थी, यहाँ पे बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, तो हमारा ये मिशन तो सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस बलून का आकार देखिए कुछ किस प्रकार से हो चुका है। तो इसमें थोड़ी और हवा डाल लेते हैं, फिर प्रेशर का पता चल जाएगा। हमने इसमें इतनी हवा डाल दी है, अब गेज लगा के चेक करते हैं पर कुछ पॉइंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है, पर नज़दीक आ जाइए। तो चलिए गेज लगाते हैं एक बार, दिखा रहा कुछ? कुछ नहीं दिखा रहा अभी। तो इसमें थोड़ी और हवा डालते हैं, और आई थिंक ये शायद नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, और यहाँ पे बिल्कुल लूज़ है, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इसमें और हवा डालने की कोशिश करते हैं, ये फट भी सकता है, तो हम इसमें हवा डालते हैं फिर देखते हैं। डला रहे थे दोस्तों, ये देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा ये बलून फूल चुका है, तो लेकिन अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लूज है। लेकिन एक बार फिर गेज लगा के देखते हैं, हो सकता है शायद दिखा दे, बट आई थिंक नहीं दिखाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लूज है। लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, गेज बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, और इसका कारण यही है कि जब तक गेज को पूरा प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक गेज नहीं उठेगा। तो इसमें और हवा डालते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा फूल चुका है, मेरे हिसाब से तो फटने वाला है। अगर फट जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि बलून में हवा डालने से गेज से प्रेशर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए इसमें और डालते हैं।
हाँ तो दोस्तों आपने देखा होगा हमने इसके अंदर कितनी ज़्यादा हवा डाल दी थी, इस बलून की साइज़ कितनी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन गेज से इसकी हवा का अंदाज़ा नहीं लगाया गया क्योंकि इसकी जो गेटी थी ये बिल्कुल लूज़ थी, इसमें प्रेशर नहीं बन पाया। लेकिन जो हमारा बलून है ये फट चुका है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से मेरी जब भी धड़कन धड़क धड़क कर रही है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आई थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, यदि वीडियो मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।